फिर मौला अली दी दे सैयदना अमीर मुआविया दी किसास उस्मान वाले मसले में मुगालते की वजह से और मुनाफिकीन के फितने की वजह से कत्ल व किताल हुआ। मजहब मौला अली का हक था, वो खता पर थे, ये हक पर थे। जदों हो गई इना मौला अली के पाक मुआविया दे घाटा वादा अगों आ गए हसन नशाइया की कार धुत हो गए, पता ही कोई नहीं तेन तेन की पता नहीं आले पैर किसे कहते पछाण होगी मुनाफका का पीला पीती खड़े होगी खंग के प्याले ਤੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਲੈ ਅਕਲ ਹੈ ਲੈ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਲੈ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੀਏ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮਲਾਂਗ ਨਾ ਨਿਕਤਾ ਨਾ ਗਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੰਗ ਆ ਕੇ ਜਾਵੇ ਯਾਰ इत्तेहाद उम्मत तहफ्फुज़ शरीयत सुभान अल्लाह कुर्बान जावां ना महबूबान खुदा के उनकी अज़मत को जानना है ना, किसी झंडे वाले के पास ना, काले जोड़े वाले के पास ना, किसी रोगी रसूगी कुल का ना जा। अगर उनकी अजमतों का पूछा है तो उनको जानता है ना, अगर उनकी अजमतों को जानना चाहता है तो किसी होश इश्क मोहब्बत वाले से पूछ, वो तुझे बताएगा कि हसन कौन है, हुसैन कौन है, या हमद रिजा बरेली बताएगा या मेहर अली लजपाल बताएगा। छोटे बड़े बच्चे मारे और उन मुनाफिकों की बात देखो, जब बयान करने आते हैं तो करबला के रेत के जर्रों का जिक्र करते हैं और जिक्र जर्रे का करके रो रहे हैं और वो रसूल का नवासा अव्वल और वो मौला अली का सज्जादा नसीहत साहेबजादा हसन मुतबा के यौमे वफात को नहीं जानते ते ना मुरादा करबला के घोड़ों के ऊंटों के सोम जाड़ दे हसन नहीं जानता। तेरी मुनाफ़ भूल गई, अगर अहले बैत से मोहब्बत होता तो सबसे पहले हसन को बयान करता। आले भाई तो साफ़ एक है, अशिता वाले कुफारे